बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अकबरी लोटा पढ़ेंगे, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू किया था। और जब लाला झाऊ लाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे, तब झाऊ लाल एक पल के लिए बहुत ही परेशान हो गए और उन्हें ये चिंता सताने लगी कि ये 250 रुपये आएंगे कहाँ से। आज तक उन्होंने एक साथ 250 रुपये नहीं देखे थे। और वो इसी परेशानी में, क्योंकि 6 दिन बीत गए थे और अब उन्हें जो है बिल्कुल भरोसा नहीं था कि पंडित बिलवासी जो है उनको 250 रुपये का इंतज़ाम करके देंगे। लाला झाऊ लाल अपनी छत के मुंडेर के पास खड़े होके वहाँ पे पानी पीने के लिए, वहाँ प्यास लगी तो उन्हें लोटे में पानी दिया गया। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि लोटा न जाने किस तरह से वहाँ से ऊपर से 3 मंजिले से नीचे गिरा और एक अंग्रेज के पैरों में जाके लगा। और वो अंग्रेज जो है वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था और अपने पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर कूद रहा था, नाच रहा था, क्योंकि एक पैर में चोट लग चुकी थी। अब इस तरह से उसको पंडित बिलवासी जो है कहते हैं कि ये बहुत ही पुराना लोटा है, ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। और उन्होंने उसे लालच दिया कि ये जो है म्यूजियम में जैसे रखा जाता है चीज़ों को सजाकर, वैसे ही यह भी एक ऐतिहासिक लोटा है और यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार गम कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तो वो जो है उसको इस तरह से समझाते हैं कि ये लोटा जो है वो बहुत ही कीमती है। अब हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 87 पर पढ़ेंगे कि जब वो कहते हैं कि यह बात है, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, यानी कि एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस तरह देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। यानी कि जब उनके हाथ में 500 रुपये आए तो वो जो है वो साहब जो है वो 500 रुपये देकर अपने रास्ते चल दिए और झाऊ लाल का चेहरा जो है बहुत प्रसन्नता से चमकने लगा। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, और फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मयता यानी कि बहुत ही जो है सुकून उसे मिलता है और उसे शांति मिलती है। लाला झाऊ लाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली
और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से झाऊ लाल ने किस प्रकार पंडित बिलवासी ने किस प्रकार झाऊ लाल की मदद की और उन्होंने इतना जो है किया उनके लिए। तो आजकल के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि लोग एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन अब लोग एक दूसरे से किनारा करने लगे हैं। अब ये पहले जैसी बात नहीं होती है। तो पहले 500 रुपये जो है उनको मिले और फिर अपनी राह ली, और उसके बाद जो है इस तरह से अन्नपूर्णा नंद वर्मा द्वारा लिखा गया ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, जिसमें कि इस पाठ के माध्यम से किस तरह से परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं और आवश्यकता बदलती है, तो और उसको किस तरह से पूरा किया जाता है, ये सब इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग इसके बाद इसका पहला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग करेंगे कहानी की बात। प्रश्न अभ्यास कहानी की बात। इसमें सबसे पहले हम लोग उत्तर 1 लिखेंगे। उत्तर 1 के अंतर्गत पूछा गया है कि लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो है लोटा को देखते ही उनको जो है अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि वो लोटा उनको शुरू से ही पसंद नहीं था, और इसके पीछे क्या विचार हो सकते हैं ये लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। और इसमें जो है लाला झाऊ लाल की पत्नी ने उन्हें, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाला झाऊ लाल की लाला झाऊ लाल की पत्नी ने लाला झाऊ लाल की पत्नी ने उन्हें उस लोटे में पानी दिया, उन्हें उस लोटे में उन्हें उस लोटे में पानी दिया उन्हें उस लोटे में पानी दिया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे अपनी पत्नी की क्योंकि वे अपनी पत्नी की पत्नी का अदब मानते थे। अदब मानना मतलब
आदर करना। अदब मानते थे, अपनी पत्नी का अदब मानते थे और वे अपनी पत्नी के और वे अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैंने उन्होंने सोचा कि यदि मैंने यदि मैंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो लोटे के बारे में कुछ कहा तो बाल्टी में ही खाना मिल सकता था। मैंने कुछ कहा तो बाल्टी में ही खाना मिल सकता था। तो इस तरह से जो है कुछ कहा तो बाल्टी में ही खाना मिल सकता था। ये भी हो सकता था कि बाल्टी में खाना मिल जाए, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था कि बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, तो ये है इसका उत्तर। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि लाला झाऊ लाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। लाला झाऊ लाल ने फौरन दो और दो को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊ लाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो इस पाठ में लाला झाऊ लाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी ये लिखना है। अब जो है यहाँ पर लोटा गिरने पर गली में शोर सुनकर, लोटा जब गिरा ऊपर छत पे से, तो लोटा गिरने पर यहाँ पे हम लोग को अब दूसरा प्रश्न करेंगे कहानी से काढ़ी। लोटा गिरने पर लोटा गिरने पर गली में शोर सुनकर गली में शोर सुनकर लाला झाऊ लाल दौड़ कर नीचे आ गए। गली में शोर सुनकर लाला झाऊ लाल लाला
झाऊ लाल दौड़ कर नीचे आ गए। उनके आंगन में भीड़ घुस आई थी। उनके आंगन में भीड़ घुस आई थी। एक अंग्रेज नख शिक तक भीगा हुआ नख मतलब नीचे शिक मतलब ऊपर नख शिक तक भीगा हुआ गालियां देता हुआ चला आ रहा था। इसी से लाला जी ने अनुमान लगा लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वे समझ गए थे वे समझ गए कि अंग्रेज लड़ने आया था। लाला जी समझ गए कि स्थिति गंभीर है। लाला जी समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही उचित है और इस समय उनका चुप रहना ही उचित है। तो इस तरह से लाला झाऊ लाल जी ने ये सारी बातें समझ ली। और अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्न सभी प्रश्न लिख के उत्तर लिखना है कॉपी में
और इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे कहानी की बात से। तीसरा प्रश्न सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे और तीसरे प्रश्न में यहाँ पे विचार लिखना है। उत्तर 3, अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और उसे थोड़ा भी संदेह ना हो कि वह झाऊ लाल के आदमी हैं। और वे अपनी योजना के अनुसार पैसों की व्यवस्था कर सकें तो इस तरह से यहाँ पर अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो ये जाने कि मैं झाऊ लाल का आदमी हूँ। और अब यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न पूरा करके चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था?
उत्तर चार, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। तो इस तरह से यहाँ पर बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। तो प्रश्न लिख के इस सब उत्तर को लिखना है। और अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया, आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे पांचवा प्रश्न। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें, उत्तर पांच, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था, इकट्ठा करने का इकट्ठा करने का शौक था। क्योंकि वह दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था, पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी के कहने पर अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर अंग्रेज ने वह लोटा अकबरी लोटा समझकर अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। तो इस तरह से उन्होंने जो है उस
लोटे को बहुत कीमती लोटा समझ लिया और उसे जो है वो 500 रुपये देकर खरीद लिया। 500 रुपये देकर खरीद लिया। तो इस तरह से यहाँ पर उस अंग्रेज ने उस लोटे के 500 दिए और उसे अकबरी लोटा समझकर उसने उसे खरीद लिया। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं, आज हम लोगों ने इस पाठ के इन 5 प्रश्नों को किया और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।